जय हिंद साथियों, यूपी पुलिस मॉक टेस्ट एनालिसिस 17 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है तो टेस्ट दे के आए, तब वीडियो को देखें। आज रीजनिंग में तो सारा समय ले लिया, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। दोस्तों आपके जितने नंबर बन रहे हों कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट वाइज नंबर जरूर बताएं। यूपी पुलिस का कैलेंडर कब आएगा ये भी बताएंगे। चलिए दोस्तों एनालिसिस कराते हैं, और दोस्तों पहले अपना स्कोर दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कितना क्वेश्चन करने लायक था कितना नहीं, आज का लेवल कैसा रहा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक हम टेस्ट दिए हैं 130 नंबर पे हैं, 2500 बच्चे टेस्ट दे चुके हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैथ में 18 सही है, एक गलत है, एक छूट गया, 32 मिनट समय लगा है। यदि आपको भी मैथ में 18 19 20 करना है तो दोस्तों अभी हम आगे बताएंगे किस टीचर से पढ़ते हैं, कौन सी बुक पढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए अब रीजनिंग में मेरा कितना सही है, दोस्तों रीजनिंग में 40 सही है। हर बार 45 से नीचे कभी नहीं आता था, लेकिन अब की बार 40 आ गया, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट अब की बार सारा क्वेश्चन छोड़ दिए, तक क्योंकि समय मिल नहीं पाया। देखिए पांचवी रीजनिंग गलत है, सीटिंग अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए समय की वजह से। और आपको बता दें, देखिए हिंदी मेरा बहुत कमजोर है, 20 सही है, पिछली बार भी 26 था, और GS देख ली थी मेरा 16 सही है। जिस हिसाब से मेरा मैथ तेज है, यदि उस हिसाब से टोटल सब्जेक्ट सही होते हैं तो 120 प्लस हो जाते हैं। दोस्तों जो लोग कहते हैं मेरिट 120 से 130 जाएगी, दोस्तों मेरिट आपकी 100 प्लस नहीं जाएगी। यदि पेपर अच्छे से हुए, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुए, तो 100 से प्लस मेरिट ऊपर नहीं जाएगी। यदि आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन बन रहे हों आज के, तो दोस्तों अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए दोस्तों बता दें, कैलेंडर आपके अक्टूबर तक लास्ट में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।